तो ये था जी खज्जी नाग टेम्पल, जो बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये खजियार में जो बीच में लेक बनी हुई है, जो झील बनी हुई है, इससे रिलेटेड भी है ये मंदिर। आपने बाकी सारी कहानी पढ़ ली होगी। बीच में ये सारी झील है और चारों तरफ ये देवदार के पेड़ और बिल्कुल शांत वातावरण। जो दो चार पांच जो कुछ लोग आए हुए हैं, बस उन्हीं की आवाज़ें हैं। खज्जी नाग देवता की झील है ये, और ये 360 डिग्री यहाँ का पूरा व्यू है खजियार का। देखो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज होती है, जो पीछे देख रहे हो ना, एक बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल है, उसके अंदर आपको बिठा देंगे और फिर गोल गोल घुमाएंगे। टेम्परेचर इतना शानदार हो चुका है, बिल्कुल छाया हो चुकी है, और पीछे यहाँ पे छोटी सी पैराग्लाइडिंग भी है। तो यहाँ पे आके आप लोकल की जो हिमाचल के लोकल ड्रेसेस है वो पहन के आप फोटो खिंचा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। और ये बड़ा क्यूट सी एक जगह है, शायद होटल है, बट बंद पड़ा है अभी। भैया हॉर्स राइडिंग कराते हो आप, कहाँ कहाँ लेके जाते हो? सर हम लोग एक तो ये पार्क घुमाते हैं और इसके अलावा हम लोग ऊपर जैसे गांव वगैरह में भी लेके जाते हैं। नहीं, वहाँ पे जो दूर लेके जाते हो वहाँ पे क्या है? सर वहाँ पे एप्पल के गार्डन वगैरह है। अच्छा, एप्पल के गार्डन है। वहाँ के क्या चार्ज है हॉर्स के? सर उसका हम लोग जैसे 1250 रुपये चार्ज।
और यहाँ पूरे गार्डन के चक्कर के इसका 800 सर, फुल चार्ज 800 रुपीस। ओके, और कितने घंटे का राउंड है ये सर? ये रहता है 35 से 40 मिनट के बीच में, और ऊपर वाला वो रहता है 1 से 1.5 घंटे के बीच में। यहाँ आप कम से कम अगर सुबह आते हो ना, आप यूँ मान लो जैसे डलहौजी आप रुके हुए हो और डलहौजी से खजियार आते हो, तो आपको शायद 1.5 घंटा तो लगेगा। यहाँ आने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए, पूरा गार्डन घूमने के लिए और जो हसीन वादियाँ हैं ना उसका लुफ्त उठाने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप यहाँ से लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ करके आप वापस जा सकते हो। वापस जाते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप खजियार आते हो, खजियार से जब आप वापस जाओगे ना, तो रास्ते में एक डैम कुंड पड़ता है, उस जगह ज़रूर से जाना। बहुत ही शानदार माता जी का मंदिर है, हालांकि थोड़ी सी ट्रैकिंग है लेकिन उस ट्रैकिंग को एंजॉय बहुत करोगे। तो जी, ये था डलहौजी के पास जो खजियार है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वहाँ का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपको जगह पर ज़रूर पसंद आएगी, जो यहाँ की सुंदरता है वो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसी एक नई जगह पे। टिल देन घूमते रहो, खुश रहो, मुस्कराते रहो।